वो प्रमीला के हाथ काट ली। इसके बाद वो गाय की भूत दिनेश की ओर जाती है, उसे सींग से मारने लगती है और गरजती है। ये ले मेरी लक्ष्मी, मैं आ गई। मुझे पता है कि तुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए तो मैं सुबह सुबह उठकर तेरे लिए हरी हरी घास लाने गई थी। ये ले मेरी प्यारी लक्ष्मी, ये ले खा, पेट भर के खा। सावित्री की बहू प्रमीला ये सब कुछ बालकनी में खड़ी खड़ी देख रही थी। इसको देखो तो, क्या नाटक कर रही है, जैसे ये गाय उसकी अपनी बेटी है। जी, उफ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। पूरे दिन बस ये गाय की आवाज और ये गोबर की बदबू। इसके बाद गुस्से में प्रमीला अंदर चली जाती है। रात में जब उसका पति दिनेश घर लौटा, अरे ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, गर्मा गर्म कटलेट। आप कटलेट लाए हैं और इधर गोबर की बदबू से मेरा दम घुट रहा है, गाय की आवाज से मेरा सर फट रहा है। ओहो, ये परेशानी कब खत्म होगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कह के दिनेश कमरे से बाहर चला गया और साथ ही साथ प्रमीला पैकेट खोल के फिश कटलेट खाने लगी। उधर दिनेश, माँ घर पर बैठे बैठे क्या कर रही हो? अरे बेटा, सुबह में दो मुट्ठी चावल खाए थे, अब बहुत भूख लगी है, इसीलिए सूखा मुरमुरा खा रही हूँ। सुनो, तुम क्या खा पी रही हो ये पूछने मैं नहीं आया, पहले ये बताओ तुम्हारी वो गाय लक्ष्मी, उसे कब यहाँ से भगाओगी? ये तू क्या कह रहा है बेटा, वो सिर्फ मेरी गाय नहीं है, वो तो मेरी अन्नदाता है। उसकी दूध बेचकर ही तो मुझे सुबह शाम खाना मिलता है। ये सुनते ही दिनेश गुस्से में आके माँ के कमरे से निकल गया, फिर आंगन से जाते हुए कहने लगा, माँ को कहने से कुछ होने वाला नहीं, पहले ही गौशाला में जाके उसे पीटना चाहिए था। फिर दिनेश एक डंडा उठा के सीधा गौशाला में चला गया और वहाँ जाकर गाय को बहुत पीटने लगा। आज इस गाय को ही पीट पीट के सारे परेशानी ही खत्म कर दूंगा। तभी सावित्री और प्रमीला भी वहाँ पहुँच गई। ये तू क्या कर रहा है बेटा, इस निर्दोष प्राणी को क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है? मार रहा है, सही कर रहा है। ये गाय दिन भर शोर मचाती है और इसकी बदबू से मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। हाँ, उसे मार कर ही सारे परेशानी खत्म कर दूंगा। तुम दोनों अपनी माँ को खाना तक नहीं देते, घर में रहने तक नहीं दिया, झोपड़ी में रहती हूँ, घर अंधेरा है, हवा भी नहीं है, मैं जिंदा हूँ सिर्फ लक्ष्मी की वजह से, और उसे तुमने सावित्री की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। वो कांपते हुए बार बार खांसने लगी और खांसते खांसते आखिरकार, हे भगवान, ये क्या हो गया, कोई आके तो देखो मेरी सासू माँ को क्या हो गया। मर गई मेरी जान छूटी, अब मुझे रो रो कर दिखाना पड़ेगा। माँ, क्या तुम सचमुच मर गई क्या? इसके बाद सारे गाँव वाले मिलके सावित्री की अंतिम संस्कार के लिए जब शमशान की ओर जाने लगे, तब उसकी गाय लक्ष्मी बहुत रो रही थी और वो बार बार रंभाने लगे। बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी,
बड़ी बात। कुछ दिन बाद सावित्री के सारे श्राद्ध के काम हो जाते ही एक दिन प्रमिला ने कहा, ए जी सुनते हो, अब माँ का श्राद्ध तो हो गया और सारे मेहमान भी अपने अपने घर जा चुके हैं, अब इस गाय का तो कुछ इंतजाम करो। ये सुनते ही दिनेश गौशाला में जाके गाय की रस्सी खोलकर उसे घर से बाहर निकल दिया। सावित्री के जाने के बाद से उसे ठीक से खाना ना मिलने पर वो कमजोर पड़ गई थी, इसीलिए प्यास और भूख से इधर उधर भटकते हुए लक्ष्मी गाय गो भगार में आके पहुंचा और उधर तब कितने दिनों बाद आज घर में मैं चैन से रह पा रही हूँ, ना गाय की आवाज, ना गोबर की बदबू, ना उस बुढ़िया की कोई नया नाटक, क्या शांति है। उधर लक्ष्मी गाय घूमते हुए कचरे के ढेर से खाना ढूंढ के कुछ बचा कुचा खाना खाके दिन गुजरने लगी। जब उसका बच्चा पैदा होने वाला था तब लक्ष्मी गाय की तबीयत और बिगड़ने लगी और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये आवाज किसकी है? ये तो मेरी गाय की आवाज है। मेरी लक्ष्मी यहाँ कैसे आ गई? मैं जाके एक बार देखती हूँ। तभी सावित्री की चूड़ल वहाँ आके देखती है। अरे अरे देखो तो, मैंने ठीक ही सोचा था, ये तो मेरी लक्ष्मी है। तेरी ये हालत कैसे हो गई? आखिरकार उन लोगों ने तुझे घर से निकल कर ही छोड़ा। मेरी लक्ष्मी तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना? अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, तेरा बछड़ा पैदा होगा और तू उसे दूध पिलाएगी। उस समय लक्ष्मी गाय ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या हो गया लक्ष्मी, तूने अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिला सकी, लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूँगी, तू देख लेना। ये कहकर सावित्री की चूड़ल बछड़े को गोद में उठाए एक कृष्ण मंदिर के पास आई, फिर उसे एक पेड़ के नीचे रख के दूर चली जाती है। ये क्या, इतनी सुंदर एक बछड़ा यहाँ अकेली सो रही है, आसपास इसकी माँ नजर नहीं आ रही। फिर वो पुजारी बछड़े को गोद में उठाकर मंदिर के सामने आए। हे प्रभु, ये आपके ही लीला है, जब आपने इसे मुझे दिया तो मैं इसका जरूर ध्यान रखूंगा। मेरी प्यारी गाय लक्ष्मी के बछड़े को तो एक घर मिल गया, आप मेरे बेटे और बहू को सबक सिखाना होगा, उन दोनों को सुधरना पड़ेगा। ये कहकर सावित्री चुड़ैल वहाँ से गो भगाड़ की ओर चली गई। फिर उसकी लक्ष्मी गाय से कहती है, चल लक्ष्मी, अब हमें मेरे बेटे और बहू को उनकी गलती का सबक सिखाना है। उस दिन शाम को जब प्रमिला अपने मायके जाने के लिए तैयार होने में व्यस्त थी, तब अचानक उसे एक गाय की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या, गौशाला की तरफ से गाय की आवाज आ रही है। छी, गोबर की बदबू भी आ रही है, लक्ष्मी गाय को तो कब का भगा दिया, ये हो क्या रहा है और ये गोबर की दुर्गंध कहाँ से आ रही है। ये कहते हुए प्रमिला गौशाला की तरफ जाती है। फिर गौशाला के अंदर टॉर्च की रोशनी डालते ही वो देखा कि एक भयानक काली गाय उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके दो आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी बड़ी बड़ी दो सींग तलवार की तरह चमक रही थी। ये देख, हे भगवान, ये तो हमारी लक्ष्मी गाय है, कितनी भयानक लग रही है, पूरी तरह से गाय भूत जैसी।
तभी प्रमिला जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ी, तभी वो देखती है कि उसकी सास बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। गुस्से से उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी और उसके डरावने बड़े बड़े दांत देख के, अरे बाप रे, कोई मुझे बचाओ, ये भूत मिलकर मुझे खा जाएंगे। इसके बाद प्रमिला दौड़ के अपने कमरे में चली जाती है। फिर दिनेश ऑफिस से लौटते ही देखा, अरे प्रमिला, तुम इस समय चादर ओढ़ कर क्यों लेटी हो? भूत की डर से, तुम्हारी माँ भूत, हमारी लक्ष्मी काई भूत, बाप रे। क्या अनप सनप बक रही हो प्रमिला, तुम्हारी दिमाग तो सही है। इसके बाद प्रमिला दिनेश को गौशाला में देखी हुई सारी घटनाएं बताती है। फिर सब कुछ सुन के, चलो तो जाकर देखे कहाँ तुमने भूत देखा। फालतू में बकवास कर रहा है, गाय को भगा के छोड़ी, अभी नया नाटक शुरू। ये कहकर दिनेश प्रमिला को लेकर गौशाला की ओर जाता है और वहाँ पहुँच के उसे कुछ भी नहीं दिखाई दी। देखा ना, यहाँ कुछ नहीं है, वो सब तुम्हारी मन की बहम था। पूरा दिन सिर्फ टीवी में हिंदी सीरियल देखता रहता है और घर में नए नए नाटक करता है। जो भी हो, आज तुम मायके जाने वाली थी ना, काफी रात हो गया, चलो जल्दी निकलते हैं। इसके बाद दिनेश पत्नी को लेकर ससुराल जाने के लिए रवाना होता है। कुछ दूर जाते ही जब वो भगार के रास्ते से जा रहे थे, उन दोनों को किसी की गरजने की आवाज सुनाई देती है। वो किसकी आवाज है, क्या तुम्हें सुनाई दिया? सिर्फ सुनाई नहीं दी प्रमिला, मैं देख भी रहा हूँ कि हमारी गाय लक्ष्मी की भूत डर अपनी चेहरे से हमें ही देख रहा है। फिर एक गाय की भूत उन पर हमला कर देती है, वो प्रमिला के हाथ काट ली। इसके बाद वो गाय की भूत दिनेश की ओर जाती है, उसे सींग से मारने लगती है और गरजती है, अब उसे छोड़ दे लक्ष्मी, जैसा भी हो वो मेरा बेटा ही तो है, उसका दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं पत्नी की बातों में आकर तुम्हारी साथ कितनी अन्याय करता था, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे कष्ट को देखकर आपको तरस आ रहा है, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने भी बहुत गलतियाँ की है। इसके बाद सावित्री की आत्मा और लक्ष्मी काई की भूत वहाँ से अदृश्य हो जाती है। नीना गाय को बांध के कंधे पे उठाए सुनसान जमीन पे फेंकने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके, बस इसे इधर ही फेंक दो, रात को लोमड़ियों के झुंडा के खा जाएगा। क्या रे रघु, जलसा देख के तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा चाचा, लेकिन क्या माते सीता सच में आग के ऊपर से चल रहे थे, और हनुमान जी वो पहाड़ को कैसे उठा के लाए? अरे बेटा, वो लोग नाटक कर रहे थे, बड़े हो जाओ सब समझ जाओगे, अभी यहाँ से जल्दी चलो, हमें नदी पार करके एक सुनसान जमीन भी पार करके जाना है, ऊपर से रात बहुत गहरी हो गई है, जल्दी चलो। ठीक उसी वक्त पीछे से एक बछड़े की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुन के रघु वहीं रुक जाता है। चाचा, लगता है हमारे पीछे एक बछड़ा आ रहा है, चलिए ना उसको पकड़ के हम घर ले जाते हैं, हमारे गायों के साथ उसको भी पालेंगे। ओहो, तुम रुको मत, और गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना, यहाँ से जल्दी चलो। इसके बाद वो दोनों फिर से चलने लगे। फिर नदी पार करके सुनसान जमीन से गुजरते वक्त अचानक देखते हैं कि दो मिट्टी के हंडी उन दोनों के सामने अपने आप लुढ़क रहा है। इधर वो बछड़ा पीछे से पुकारते ही जा रहा है, और ठीक उसी वक्त ना जाने कहां से एक गाय की हड्डी आके गिरा। चुप चुप, जरा सा भी आवाज मत करो, और गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना, आओ तुम्हें कंधों पे बिठाता हूँ।
तभी उसके चाचा ने रघु को कंधे पर उठाया और तेजी से घर की ओर चले गए। इसके बाद बिस्तर पर लेटे हुए रघु अपने चाचा से पूछता है, चाचा चाचा, तब वहाँ पे वो सब क्या हो रहे थे और वो बछड़ा किसका था? हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, फिर अचानक गायब भी हो गए। वो क्या था पता है? वो था गाय की भूत। तुझे क्या हो गया है नीना गाय? आजकल दूध इतना कम क्यों दे रही है रे? लगता है जब तक मार नहीं खाएगी दूध नहीं निकलेगी तेरी। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जरा इसको सबक तो सिखाओ। तभी रामू गाय को डंडे से जोर जोर से पीटने लगा और वो गाय दर्द से बहुत रोने लगी। आज सिर्फ इतना सा दूध दिया? देख अभी मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तुझे आज खाना नहीं मिलेगी, साथ में तेरी बछड़े को भी खाना नहीं मिलेगी। ए जी चले आओ। फिर रामू और मालती दूध की बाल्टी लिए गौशाला से चले जाते हैं। नीना गाय बहुत रो रही थी। ये देख लाली ने बोली, रो मत बहन, हमारी भाग्य में यही लिखा है, अगर दिन में वो चार बार दूध निकालेंगे तो मैं और दूध कहाँ से लाऊंगी? इसके ऊपर ठीक से खाना तक नहीं देती और मेरे बछड़े को भी मेरी दूध पीने नहीं देती, इसीलिए वो सुबह से भूखा है और ये लोग मुझे हर दिन पीटते हैं। ये सिलसिला दिन ब दिन चलता ही रहा। रामू और मालती गायों को दिन भर अत्याचार करते थे, गायों को ठीक से खाना तक नहीं देते थे। अगर वो ज्यादा दूध नहीं दे पाते तो जुल्म और भी बढ़ जाती थी। इसके अलावा वो दोनों दूध में पानी मिला के बेचते थे। ऐसे ही एक दिन, रामू ओ रामू, मुझे दो प्याला दूध देना। तब रामू और मालती दूध की प्याला लिए बाहर आके कहते हैं, सुनो भैया, अगले महीने से दूध की दाम 5 रुपए करके और बढ़ेगी। अरे भाभी, एकदम से 5 रुपया बढ़ा दिया? इसके अलावा दिन ब दिन दूध तो पतला होता ही जा रहा है। क्या तुम दोनों ज्यादा करके पानी मिला रहे हो? ऐसा ही चलता रहा तो दूध लेना बंद कर देंगे हम। हाँ दिनेश चाचा, मेरी माँ भी कह रही थी ये दूध पीने के बाद भी भाई की पेट नहीं भर रही है। लगता है चाचा चाची दूध में ज्यादा पानी मिला रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हो रही है, हम दूध में जरा सा भी पानी नहीं मिलाते। ये लो दूध की दाम, वैसे भी दूध तो बिल्कुल पानी की तरह पतला है और दाम भी ज्यादा। सुनो, हम अगले महीने से तुम लोगों से दूध नहीं लेंगे। ये कह के वो लोग वहाँ से चले गए। तब रामू ने कहा, देखा ना भगवान, तुम्हें बोला था कि दूध में इतना ज्यादा पानी मत मिलाओ, तुम तो मेरी कहा नहीं सुनती। तुम चुप ही रहो, हमारे दूध जरूर बिकेगी। कल से तुम शहर में जाके दूध बेच के आना। अगर गाय ठीक से दूध देती तो ये ज्यादा पानी नहीं मिलाना पड़ती, ये दोनों गाय को पीटना पड़ेगा। ये कहकर मालती ने गायों को डंडे से बहुत पीटना शुरू कर दिया। खुद की सारे गुस्सा दो गायों पर निकलती है और इतनी मार खा के नीना गाय उसी रात बीमार पड़ जाती है और सुबह होने से पहले ही वो मर जाती है। और सुबह होते ही, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी इधर आके देखो। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो, लगता है नीना गाय मर गई। कल इसे इतना पीटने की क्या जरूरत थी? जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, वैसे भी ज्यादा दूध तो नहीं देती थी। अब इसे फेंकने की बंदोबस्त करो, इसे बांध के उस सुनसान जमीन पे फेंक के आओ, इसके जगह एक नया गाय खरीद लेंगे। फिर रामू दो लोगों के साथ नीना गाय को बांध के कंधे पे उठाए सुनसान जमीन पे फेंकने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके, बस इसे इधर ही फेंक दो, रात को लोमड़ियों के झुंडा के खा जाएगा। रामू,
क्या तुम्हारा दिल एकदम पत्थर बन गया है? तुम गाय को इस तरह से, तुम्हें कष्ट नहीं होता? सुनो, मुझे इस गाय के लिए जरा सा भी कष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ की बदबू मुझे सहन नहीं हो रहा है। चलो यहाँ से, और मुझे शहर भी जाना है। इधर लाली गाय और नीना गाय की बछड़ा पूरे दिन रोते ही रहे। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। उसी दिन रात को रामू जब शहर में दूध बेच के उस सुनसान जमीन के ऊपर से लौट रहा था। अरे बाप रे, इस सुनसान जगह में इतनी रात को गाय की आवाज कहां से आ रही है? रामू ने इधर उधर देखते ही उसे नजर आया कि एक बड़ा सा काली चीज पेड़ के नीचे से पुकार रही है। अरे वो रहा गाय। इतनी रात को मेरी तो पूरी लॉटरी लग गई। न जाने किसकी गाय है, लगता है किसी की गौशाला से भाग आई है। मैं इसको पकड़ के घर लेके जाता हूँ। मेरा पैसा भी बच गया और फ्री में गाय भी मिल गई। फिर रामू वो गाय को लेकर घर लौट आता है और गौशाला में बांध के वो कमरे में चला गया। इसके बाद रात के खाना खाते समय रामू अपनी पत्नी को सारे बात बताते हैं। लेकिन रात गहरी होते ही अचानक से भाग्यवान सुनाई दे रही है। ध्यान से सुनो, बाहर सारे मुर्गियाँ इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है? वो आपस में लड़ रहे होंगे। तुम अब सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। अगले दिन सुबह वो उठ के देखा कि उनके फार्म में एक भी मुर्गियाँ नहीं है। सिर्फ इधर उधर मुर्गियों की बहुत सारे पंख बिखर के पड़े हैं और पूरी जगह खून से भरी है। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? हमारे सारे मुर्गियों को लगता है कोई जानवर आके खा गया। उसी दिन शाम को जब रामू और मालती दूध निकलने गए तो देखा कि बछड़ा लाली का दूध पी रहा है। ये देख उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। तभी रामू बछड़े को पीटने के लिए जैसे ही छड़ी उठाए, ठीक उसी वक्त वो काली गाय रामू को लात मार के फेंक देती है। अरे बाप रे! अरे इस गाय की इतनी साहस, तुम्हें लात मार के गिरा दिया? मैं आज इसे अच्छे से। ठीक उसी वक्त वो काली गाय दहरता हुआ उनके तरफ आने लगे। खून जैसी लाल उसकी दो आंखें, मुंह से लार टपक रही है, नुकीला दांत, दो सिंह चाकू जैसा चमक रहा है। इसकी चेहरा है भयानक काले दानव की तरह। अरे बाप रे, ये तो राक्षस जैसी चेहरा, ये तो गाय की भूत है। रामू और मालती गाय की ऐसे भयानक रूप देख के सारे होश खो बैठे। इसके बाद अगले दिन सुबह गांव के लोग जब उस सुनसान जमीन से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि रामू और मालती की लाश वहां पड़ा हुआ है। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम है बादल, साइना, विनोद, बाबुल, नमन, प्रिंस, अलीशा, असीका, सुजीत, बंसी, अनीता, सुनील, फैजान, आयन, प्रांजल। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें, उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से क्लिक करके देखिए।